दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इतना पकौड़ा हमने निकाल लिया है, अभी हम इसी में इसको निकालने वाले हैं। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा अगर आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए, बहुत अच्छा लगेगा अपने वो भी अपने हाथ का। देखिए हम इसको हल्के हाथ से चला रहे हैं, घुमा रहे हैं और हमारा पकौड़ा तैयार होने वाला है। सुबह सुबह अगर आप ब्रेड पकौड़े का नाश्ता करेंगे ये बहुत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा हैवी नाश्ता होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये देखकर आपको भी अच्छा लगेगा और खाने का मन करेगा। जैसे कि हमने बताया आपको, इसमें ऐसे हमने हल्के हाथ से पानी लगाया ब्रेड में, और देखिए हम इस पे आलू की पिट्ठी रख रहे हैं और फिर हम हल्के हाथ से पानी लगा के इसको ऐसे दबा रहे हैं, थोड़ा ऐसे हल्के हाथ से इसको दबा लो। फिर बेसन के इसमें ऐसे तेल में डालते हैं। और दोस्तों, आलू की जो पिट्ठी हमने बनाया है, इसको हमने आलू को उबाल लिया और छिलका निकाल कर इसको हमने मिक्स कर लिया। इसमें हमने कटी हुई प्याज डाला है, हरी धनिया की पत्ती डाली हुई है काट कर, हरी मिर्ची डली हुई है और सारा चीज डालकर हमने मिक्स कर लिया और फिर हमने इसकी पिट्ठी तैयार कर ली। और हम देखिए ब्रेड पे ऐसे रख रहे हैं। आप भी अपने घर में ब्रेड पकौड़ा बनाइए, खाइए। अभी हमारा जो ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, हम खाएंगे दोस्तों, तो आपको भी दिखाएंगे कि देखिए हम ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ खा रहे हैं। अगर हमारा छोटू भी खा रहा है, क्योंकि उठ गया है, सोकर उठता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए दोस्तों। आप हमारी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।